पूरे के पूरे बंडल है ये, मुझे थोड़ा तरीका बताएंगे इसका क्या है, इसका परचेजिंग का, इसको कैसे खरीद सकते हैं? अब जैसे ये सॉफ्ट टॉयज है, इम्पोर्टेड टॉय मुख्तलिफ किस्म, अब ये किलो के हिसाब से मिल रहा है 400 रुपए किलो। ये वाला जो है ये बोरा कितने का होगा? हाँ भाई 400 420 रुपए दाम है यहाँ पर, तो बहुत वैरायटी है भाई। ये क्या है, ये कौन सी शॉप है यहाँ पर? ये तो पूरा एक बाजार है। अलमान फिगर्स, हमारे यहाँ इम्पोर्टेड स्कूल बैग, सिटी बैग, लेडीज पर्स वगैरह, पता नहीं क्या कुछ है। हर एक चीज हमारे पास हुआ है। ये शहद है, पहले शहद बताइए। हमारे पास ये शहद है स्वाद का, स्वाद का ये, इसका गारंटी भी देंगे आपको, ये सब कुछ दिखा देंगे। 3,300 रुपए का है। हाँ मुझे निकाल के दिखाएं। तो ये तो पूरा सेट है, नाइफ 8 घंटे तक का काम कर रहा है। ये कौन सा ब्रांड है, मैं चेक करूँ प्लीज? ये अच्छा है व्यूअर्स, ये सारा जेन्युइन स्टफ है, ये कोई वो नहीं है। ये सारा 2,500 रुपए के, 3,000 रुपए के। ओके, हमारे पास ये स्टीमर भी आया हुआ है और 12 पीस 42 रुपए। हमारे पास इम्पोर्टेड स्टील भी आया हुआ है। जबरदस्त यार, मार्केट में जाओगे ना तो इसके रेट पे डबल बैग वगैरह बताओ ना। ये बैग वगैरह, ये लैपटॉप बैग भी हमारे पास, स्कूल बैग भी आखिर में दिखा देंगे आपको। जी जी बिल्कुल, लैपटॉप बैग किलो के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है, किलो के हिसाब से 1500 रुपए के जी के हिसाब से तकरीबन 200 300 400 रुपए का। ये अमेरिकन बैग है ना, क्वालिटी अच्छी है। अच्छा ये बताएं, हमारे पास ये देखो सारे वैरायटी मूर्ति है। ये पावर बैंक है, छोटा सा पावर बैंक, थोड़ा सा बहुत बाकी इम्पोर्टेड केंसी 200 250 रुपए का मिलेगा। ये चूड़ियों को सारा मतलब ये बताएंगे ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 300 रुपए का है, 200 रुपए का है। और ये पैन वगैरह ये चाहिए, ये यूज पैन है या ये सब? ये फ्रेश माल है, फ्रेश माल। 1700 रुपए का है, ये 1600 रुपए का है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम मौजूद हैं इस वक्त शेरशाह में। शेरशाह कराची का एक तरीके से ये भी एक बिजनेस हब है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, लाइक आपकी सेनेटरी आइटम, बहुत कुछ है यहाँ पर, और जितना भी इम्पोर्टेड आइटम। किस्म का इम्पोर्ट आता है भाई, हर किस्म का इम्पोर्ट आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं सारिक भाई, अभी तो हम जा रहे हैं शेरशाह व्यूअर्स, हम शेरशाह दिखाने आपको नहीं आए। हमारा ऑब्जेक्टिव एक खास किस्म के गोदाम का विजिट करवाना है आपको, कि वहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं। कराची में रहने वाले बहुत आसानी से इस एड्रेस पर पहुँच सकते हैं। राइट नाउ हम शेरशाह पे, शेरशाह से स्ट्रेट जाएंगे हम गुलबई की तरफ, और गुलबई के साथ ही रास्ते में मिजान बैंक का बहुत बड़ा हेड ऑफिस आता है, उसके पीछे एक गोदाम है। गोदाम का नाम क्या था सारी भाई? सोहराब गोदाम। सोहराब गोदाम में हम जाएंगे। अब वहां पर क्या इस वक्त की क्या इत्तलात है कि क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद होनी चाहिए सारी भाई? इस वक्त जो है 2024 के हिसाब से जो हमने अपडेट किए, तो वहां पर काफी सारी चीजें उन्होंने रिपोर्ट की है। अच्छा अच्छा तो यानी अमेजोन का मटेरियल जो लेफ्ट ओवर है उनका वो भी मौजूद होते हैं यार? ये अमेजोन वाले क्या पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में भेज देते हैं या उनसे कोई बिट लगती होगी? मेरे ख्याल से बिट लगती होगी इसकी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान भी चले अच्छी बात है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। खैर एनीवेज, जो मेरे पास इत्तलात है कि बिट लगती है, और बिट लगने के बाद जो है वो चीज़ें दूसरे मुल्कों में बेची जाती हैं और यहाँ के इम्पोर्टर इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब उसका लेफ्ट ओवर यहाँ पर आ जाता है और हम जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि काम की चीज़ें तो ले आते हैं। यहाँ पर बच्चों के टॉयज, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, पता नहीं क्या कुछ है, बर्तन,
बहुत कुछ है यहाँ पर जो सुना है, अब जाके देखेंगे ठीक है, और आपको भी दिखाएंगे। व्यूवर्स अपना साथ जारी रखिएगा, इसी तरह रखिएगा हमारे साथ, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच। सोराब गोदाम इसी गली में कहीं है, हम मेजान बैंक से पहले वाली गली में टर्न हुए, हो सकता है मे बी वी आर टर्निंग रॉन्ग, यहाँ पर किसी से पता करना पड़ेगा। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ की वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है आपको बताना कि ये थोड़ा सा ऐसा रास्ता है कि यहाँ पर फैमिली के साथ तो नहीं आया जा सकता है, क्योंकि शेरशाह से हम ऑनवर्ड सीधा आगे आए हैं, और मिजान बैंक से पहले जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ से हमने लेफ्ट लिया है, और गूगल ये बता रहा है कि अभी थोड़ा सा और आगे है, और ये अभी हम दिन दोपहर के टाइम पे हैं, रात के टाइम पे ये एरिया बिल्कुल सन्नाटे वाला हो जाएगा या शाम के टाइम। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग को जब भी आना है तो आप लोग दिन दोपहर में सुबह से लेकर ऑनवर्ड 2-3 बजे तक आएँ और अपना काम करें और जाएँ, मस्जिद डिले नहीं कीजिएगा यहाँ पर। अच्छा ये कब्रिस्तान भी आ गया है यहाँ पर साथ ही, लेफ्ट हैंड पे हमारे पूरा ग्रेवयार्ड है, काफ़ी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही ग्रेवयार्ड है, तो ये काफ़ी जो है वो हॉरर जगह है रात के वक्त के लिए। बहुत खड्डे हैं, बहुत खड्डे ही है असल में, यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह ही चलते हैं ना, जो इंडस्ट्रियल मतलब पोर्ट टाइप का लोकेशन है ना, तो यहाँ के अंदर की रोडें थोड़ी बनी हुई होंगी शहरी लोगों के लिए थोड़ी, ये इलाका ये तो इम्पोर्टर्स आते हैं, ये तो हम जैसे यूट्यूबर्स आ गए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, वरना यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक थोड़ी आती है, नॉर्मल पब्लिक का यहाँ पर क्या काम है जंगल में। लेकिन अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में आती है तो वो आए और देखे चीज़ों को कि क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है। ये गोदामों की एक पूरी नगरी में घुस गए हम लोग व्यूवर्स, ये देखिए कौन सा गोदाम है, मुनीर गोदाम और ये गोदाम और वो गोदाम, यहीं पर है गोदाम। अच्छा यहाँ पर जो है ना वही इम्पोर्टेड स्टफ़ की बंडल की बेल जो है रखी हुई है, जिसमें मुख्तलिफ टॉयज हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं नज़र आ रही हैं। अभी आपको इंशाल्लाह एक ऑथेंटिक जगह पे रुक के फिर आपसे कंप्लीट बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ तो अभी हम खुद परेशान हैं कि हम कहाँ आ गए, सड़कें बहुत ख़राब हैं। ख़वातीन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा रिकमेंड किए यहाँ पर आए मैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे भाई लोग आए और चीज़ें लेके घर वालों के लिए जाएँ, या अगर उन्हें कोई कारोबार करना है तो यहाँ से थोक पे उठाएँ, अभी तो पता चलेगा कि ये लूज में तो देते भी नहीं होंगे, ये तो पूरा थोक पे ही काम होता होगा। क्या बोलते शालिक भाई, ये पूरा गोदाम ही गोदाम है चारों तरफ भाई, पोट्री स्टफ का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, वो कंबल भी है यार यहाँ पर, तो देखो सामने सीधे हाथ में कंबल की लाट आई हुई, जबरदस्त। चले यहाँ की गाड़ी लगाते हैं, फिर हम लोग साइड में फिर बात करते हैं लोगों से कि सोराब गोदाम किधर है। व्यूअर्स इस वक्त मौजूद है हम लोग सोराब गोदाम के आसपास, ये पूरी एक लेन है, यहाँ पर मल्टीपल गोदाम ही गोदाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये कराची का वो रुख है जो मैंने भी नहीं देखा था भाई, हमने भी नहीं देखा। व्यूअर्स ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो है हम निकले हैं और ये आपको दिखा रहे हैं कि देखें ये है सोराब गोदाम, ये हमारे राइट हैंड में, यहाँ पर मिलती हैं वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी आज तक, सोराब गोदाम है भाई ये। यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं भाई, आओ तो अंदर एक्सप्लोर करते हैं, अंदर चलते हैं जरा फिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर, ये क्या है, खिलौने हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, पूरे के पूरे बंडल हैं, ये मुझे थोड़ा तरीका बताएंगे इसका क्या है, इसका परचेजिंग का, इसको कैसे खरीद सकते हैं हम। हाँ कौन सी जबान आती है, किलो के हिसाब से मिल रहा होता है, किलो के हिसाब से मिल रहा होता है, जैसे ये टॉयज का एक पूरा बैग है, ये क्या किलो मिलेगा। अच्छा,
एक मिनट, ये देखें शराब गोदाम के अंदर जब आप आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे ये सॉफ्ट टॉयज हैं इम्पोर्टेड, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस पूरे गोदाम में। ये तो मैं एक गोदाम के एक पार्ट एक दुकान के अंदर हूँ। इन्होंने पूरे पूरे बैग बना के रखे हुए हैं, टॉयज भी हैं, कपड़े भी हैं, यहाँ पर कंबल भी हैं, पता नहीं बहुत कुछ है यहाँ पर। सॉक्स से देखें पूरे पूरे। अच्छा सर, ये जो सॉफ्ट टॉयज हैं ये किलो के हिसाब से मिलते हैं? किलो के हिसाब से मिलते हैं। ये पूरा बोरा एक लेंगे या हम एक आध? पूरा बोरा, जैसे ये पीछे हमारे रखा हुआ है ये पूरा पूरा बोरा है ये सर। ये कितने का, कितने किलो का बोरा होता होगा? 10-10 किलो का। क्या किलो होता है वैसे? 450। जैसा फिर हम आपसे बार्गेन करें फिर उस हिसाब से फाइनल होगा। तो भी वो एक आइडिया हो गया कि आप ये देखो कि किस लेवल का टॉय है। अब ये किलो के हिसाब से मिल रहा है 400 रुपये किलो। ठीक है, आपने एक बोरा लिया 10 किलो का, अब उसके अंदर ये तकरीबन मैं समझता हूँ 15-20 टॉयज तो आ जाएंगे। तो आप हिसाब लगा लो कि कितने का पड़ गया आपको। कुछ भी कॉस्ट नहीं आई, कितने अच्छे सॉफ्ट टॉयज हैं। ये देखें इधर का सफाई कर रहा है टॉयज की, माशाल्लाह। इनको प्रॉपर चेक भी किया जाता है? हाँ ना, चेक करके मेरे ख्याल से क्वालिटी बनाते होंगे फिर ये लोग। ऐसे ही सर क्वालिटी बनाते हैं या जो है जैसा है बस? अच्छा, ये पैक होता है, ये कुछ बाहर का पैक है, कुछ आप लोग यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हैं जैसे ये जो कर रहे हैं आप, फिर आप बोरा बनाएंगे। ओके, लेकिन ये बोरा बाहर का बना बनाया है ये आपने बनाया? ये जबरदस्त है, इसमें कुछ भी निकल सकता है। देखते हैं आप लोग, मैं आपको और एक्सप्लोर करवाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, ये देखिए मैंने आपको बताया ना ट्वाइस। अच्छा भाई साहब, ये वाला जो है ये बोरा कितने का होगा? हाँ भाई, 420 रुपए किलो से है। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ सॉफ्ट टॉयज, ये रीसेलर्स के लिए मैं एक बार बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आए और लेके जाए। 400 रुपए से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट है और ये एज कम्पेयर टू क्वालिटी आता रहेगा, पता चलता रहेगा। चले गोदाम के ऊपर चलते हैं, शराब गोदाम। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये गोदाम ओपन है। मैंने ये कहा कि आप लोगों को फैमिलीज के लिए जो ये जगह सूटेबल नहीं है, यहाँ हमारे भाई लोग आए और अपने मजल का पसंद का जो है ना स्टॉक देखें, सॉर्ट करें और आगे जो है वो। ओहो, ये भी सारा इम्पोर्टेड है, सारा इम्पोर्टेड आइटम रखा हुआ है यार। खरीदा हुआ माल वापस कभी नहीं होगा, ओके अंडरस्टैंड। घूमते घूमते यहाँ पर माशाल्लाह मस्जिद भी है, बड़ी पूरी जगह है यार। कि तो हम लोग किधर आ गए भाई? शराब गोदाम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो देखें आप, ओफो नीचे तो गोदाम ही गोदाम है। यहाँ पर तो बहुत वैरायटी है भाई। ये क्या है, ये कौन सी शॉप है यहाँ पर? ये तो पूरा एक बाजार है। अलमान फिजर्स, हमारे यहाँ इम्पोर्टेड स्कूल बैग, सफी बैग, लेडीज पर्स वगैरह, पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पर। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं। नॉर्मल चीज नहीं है ये तो, उतारो गुजो। ओहो, ये सब किलो के हिसाब से है क्या? केजी के हिसाब से? हाँ, वीडियो बना लूँ मैं यूट्यूबर। ये शराब गोदाम में हूँ मैं इस वक्त, क्या आप किलो के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ हो रहा हो रहा। ₹1000 भाई,
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आदिल भाई के पास मौजूद हूँ। आदिल भाई सुराब गोदाम में है। आदिल भाई लोकेशन थोड़ी सी बता देंगे आप व्यूअर्स को? लोकेशन ये शेरशाह मार्केट लंडा मार्केट है और सुराब गोदाम है, ऊपर मस्जिद के बराबर में हमारा डी टू शॉप है, आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। अच्छा आदिल भाई आपके पास क्या क्या चीजें माशाल्लाह आपके पास इम्पोर्टेड मौजूद है? अच्छा आदिल भाई ये जो अपना सनसिल्क है, ये ओरिजिनल सनसिल्क है ना? ये ओरिजिनल है, बाहर के इम्पोर्टेड है, आपको दिखा देंगे। 100 रुपए का पीस देते हैं। यहाँ पे पूरा शेरशाह में एक पीस अलाउड नहीं है। ओके सिर्फ हमारा गोदाम में जो एक पीस आपको मिल जाएगा, जो बंदा दूध मिल जाएगा। आदिल बोले शेरशाह में एक पीस नहीं मिलते हैं, हमारा गोदाम में विजिट करे, एक पीस आपको मिल जाएगा। मुनासिब बिल्कुल मुनासिब होगा, मार्केट से भी होगा। आपको दिखा दे, एक पीस हमारे पास शैम्पू आया हुआ है, आपको 1 kg 1000 रुपए का पड़ेगा और आधा केजी आपको 500 रुपए का पड़ेगा। हमारे पास ये चूड़ियों का सेट मौजूद है, ये हम किलो के हिसाब से देते हैं, 1800 रुपए किलो के हिसाब से वजन करेंगे। जैसे इसका वजन मुझे प्लीज निकाल के दिखाएंगे, ये सब कुछ दिखा रहे हैं, 3300 रुपए का है। हाँ मुझे निकाल के दिखाएं, तो ये तो पूरा सेट है, नाइफ सेट है भाई, इसमें चॉपर भी है, इसका बुगदा है। हाँ इसमें बड़ी छुरी हर किस्म की है, पूरा जो एक सेट है, पूरा कंप्लीट सेट है, सब कुछ ठीक है। आदिल भाई बहुत जबरदस्त, ये आपने बोला कि किलो के हिसाब से, क्या किलो बताया आपने? किलो के हिसाब से 1800 रुपए केजी पड़ेगा, वजन करेंगे जैसे कि ये इसका वजन अभी देखो 3000 रुपए का तकरीबन आपको पड़ेगा, 3300 रुपए का। ये हमारे पास पानी के बोतल वगैरह सारा इम्पोर्टेड है। दिखाते हैं आपको बच्चों के हवाले से, दिखा देंगे तो हमारे पास इसकी बड़ी बोतल है, बच्चे यूज कर सकते हैं स्कूल में जाने। अच्छा, के लिए कितने की ये? ये 800 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 1200 रुपए की है। अगर किसी भाई को बड़ा वाला चाहिए जो मतलब किसी थर्मोस से, ये थर्मोस टाइप, इसमें आप गर्म पानी भी रख सकते हो, ठंडा भी रख सकते हो। कितनी देर रहेगा वैसे ये? तकरीबन 8 घंटे तक, तो मतलब कस्टमर ने व्यू दिया कि 8 घंटे तक, 8 घंटे तक का काम कर रहा है। ये कौन सा ब्रांड है, मैं चेक करूँ प्लीज? ये अच्छा है व्यूवर्स, ये सारा जेन्युइन स्टफ है, ये कोई वो नहीं है, ये सारा इम्पोर्टेड ब्लैक ओवर्स जो वहाँ से आता है, ये वही चीज है। जैसे हमारे पास ये थर्मास इलेक्ट्रॉनिक थर्मास मौजूद है, ये कितने का दे रहे हैं? गैस का मसला चल रहा है ना, तो हमारे पास ये बिजली का थर्मास आया हुआ है, ये 1500 रुपए का, ये 2500 रुपए का, 3000 रुपए का। हमारे पास ये स्टीमर भी आया हुआ है जिसमें आप खाना बना सकते हो। अच्छा अच्छा, ये खाना भी बना सकते हो आप, ये खाना भी बना सकते हो, हाँ तो पका भी सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास ये बून कप आए हुए, ये ओरिजिनल चीनी के बून कप है, ये मार्केट में आपको 6 पीस 4500-5000 रुपए का, यहाँ पे आपको 6 पीस 2100 रुपए के मिलेंगे और 12 पीस जो है 4200 रुपए। हमारे पास इम्पोर्टेड स्त्री भी आया हुआ है, ये मार्केट 4000 रुपए का एक स्टीमर है, इसमें स्टीमर वाले पानी वाले भी है। अच्छा यार, ये वाली तो मैंने एक बड़े अच्छा स्टोर में देखी थी, ये 7000-8000 रुपए की, यहाँ पे आपको पड़ेगा 4000 रुपए स्टीम वाली है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सारी वरायटी मौजूद है, आप दिखा, ये देखो ना, थर्मोस और मॉस बहुत कुछ है, सब ये बड़े, ये वाले बताइए, इम्पोर्टेड बाहर का थर्मोस है, तकरीबन आपको 2500 रुपए का मिलेगा, इसमें छोटा साइज भी है, आपको 2000 रुपए का मिलेगा। जबरदस्त यार, मार्केट में जाओगे ना तो इसके रेट पे डबल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 2500 रुपीज का आप मुझे दे दोगे? ये तो किलो के हिसाब से नहीं है? नहीं नहीं, सब पीस के साथ है, जो हमारे भाई विजिट करेंगे। सही है, कुछ चीजें पीस के हिसाब से, कुछ चीजें किलो के हिसाब से, कुछ चीजें ठीक है, यूज चीजें किलो के हिसाब से। कारोबारी बंदे आते हैं उसके लिए भी मौजूद है, देखो कारोबारी बन जाए उसके लिए ऐसे कार्ड भी बनाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब बंदा बोलते हैं मुझे नया कारोबार शुरू करने के लिए बनाया हुआ है। ये बॉक्स किस हिसाब से होता है, ये क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चम्मच वगैरह है? हमारे पास जितने भी चीज दिखा रहे सारे चूजों का जो मिक्स वैरायटी है ना, ये हमने डाली हुई है, जिसे हम रिटेल में दे तो उसमें आधी कीमत में हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पूरा बॉक्स लोगे इनसे तो ये आधी कीमत भी है, आधी कीमत है और भी आधी कीमत होगी, यानी ये आगे कोई बेचना चाहे अपनी तौर पर दराज में या कहीं और रिचार्जर्स तो उनके लिए यार जबरदस्त। आदिल भाई हमारे पास ये देखो, ये सारे यार आप ये प्लीज बैग वगैरह बताओ ना, ये बैग वगैरह, ये लैपटॉप बैग भी हमारे पास, स्कूल बैग भी आखिर में दिखा देंगे आपको। जी जी बिल्कुल, लैपटॉप बैग किलो के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है, किलो के हिसाब से 1500 रुपए केजी के हिसाब से तकरीबन 200-300-400 रुपए का। ये अमेरिकन बैग है, नट
हाँ हाँ सर समझ गया, ये बिल्कुल ओके आपको मिल जाएगा। आप छाट लो ना, यहाँ से छाट सकते ना, बिल्कुल अपनी मर्जी का एक पीस ले सकते हैं बंदा, किलो के हिसाब से जब लेगा तो अपनी मर्जी का छाटे और निकाल के एक किलो लगाए, आधा किलो ले जाए, पाव ले जाए, जितना चाहिए वो ले जाए। हमारे पास ये खिलौने भी बच्चों के हवाले से, अच्छा, लोग विजिट करते हैं, बोलते हैं एक किलो पूरा पूरा बोरा मिलता है, बच्चों के लिए नहीं मिलता, तो हमने ये बनाया है बच्चों के लिए खास। ये एक पैकेट एक केजी का है, एक पैकेट एक किलो का, क्या किलो दे रहे सर? 1500 रुपए केजी है, बाल के इम्पोर्टेड है, जो टूटते नहीं है, मतलब ये कि बच्चे से तब आप बच्चे गिराओगे भी नहीं, टूटते देख दिया भाई, जबरदस्त किलो नहीं होते, 1500 रुपए केजी है। अभी आप इसमें से देख लो, इतना बड़ा अपने मर्जी रखा हुआ है, अपने मर्जी से एक किलो निकालो, दो किलो निकालो, निकाल सकते हो। तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छी चीज है। डायपर्स वगैरह भी आपके पास? डायपर है, पेम्पर वगैरह सब, ये भी किलो के हिसाब से, ये बाहर के इम्पोर्टेड है। हाँ हाँ, इम्पोर्टेड पेपर ये आपको तकरीबन 1000 रुपए केजी पड़ेगा, मार्केट में मिल जाएगा 600-650 रुपए केजी, लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलेगा, ये वाली क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, इम्पोर्ट किया हुआ है। अच्छा ये बताएं, हमारे पास ये देखो सारे वैरायटी मौजूद है। देखो ये क्या चीज है यार? ये पावर बैंक है, छोटा सा पावर बैंक है, थोड़ा सा पावर बैंक है। ये कितने रुपए का है? ये भी किलो के हिसाब से, ये एक पीस आपको तकरीबन पड़ेगा 400 रुपए का। देखो और पीस देंगे आपको, इसको थोड़ा सा बैटरी, यानी कि एक बैटरी से तकरीबन 3000 mAh का है, 400 रुपए में ले जाओ। हमारे पास ये ब्रश है, देखो बहुत बेहतरीन ब्रश है, सही है, इसमें आप लेग बेल्ट डालो, सरफ डालो, यूज करो घर के टायर वगैरह, बर्तन वगैरह। सर ये कितने का दे रहे हो आप? 150 रुपए का, 150 रुपए का। जैसे हमारे पास ये केंची आई है, 350 रुपए का दरअसल मिल रहा है, ये केंची है, बहुत बार की इम्पोर्टेड केंची है, 200-250 रुपए का मिलेगा। ये चूड़ियो को सारा मतलब ये बताएंगे ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, 300 रुपए का है, 200 रुपए का है। और ये पेन वगैरह ये सब चाहिए, ये यूज पेन है या ये सब? ये फ्रेश माल है, फ्रेश माल है, ये पेन पास खिलौने यूज में और बैग यूज में, बाकी सब फ्रेश है, बाकी सब चीजें फ्रेश है, खाने की चीजें हम फ्रेश। देखो इतना बड़ा सेट है मार्केट में, आपको एक चूड़ी 1000 रुपए तक, तकरीबन 600 रुपए तक पड़ेगा, यहाँ पे पूरा सेट 600 रुपए का, यानी कि पर पीस 200 रुपए का चूड़ी कहाँ मिलेगा? कुछ भी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेड, वो भी इम्पोर्टेड बाहर का भाई, जबरदस्त। हमारे पास ये केबल वगैरह भी आए हुए, देखो ये कढ़ाई है, कढ़ाई आप मार्केट से लोगे ना, कढ़ाई इतना बड़ा कढ़ाई आपको कोई भी नहीं देगा, ₹1500 का, इतनी अच्छी अच्छी कढ़ाई है, कढ़ाई की क्वालिटी कैसी है? ये यूज नहीं है आदिल भाई? ये यूज नहीं है, फ्रेश है, फ्रेश पीस है, फ्रेश माल है। बेहतरीन भाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, जबरदस्त। एक अभी एक गोदाम का विजिट हुआ, ये इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पर सैकड़ों गोदाम है, ऐसे ही आदिल भाई? जी जी जी, सुराब गोदाम लोग आप लोग विजिट करो, आप लोग आओ सुराब गोदाम, विजिट करो। इसलिए लोग बोलते हैं ना, आप वीडियो में कुछ और रेट बताते हो, यहाँ पे आके कुछ और, आपने ये वीडियो सेव करके ले आओ, जो रेट है आपको वही रेट में मिलेंगे, कोई शिकायत नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले आओ, आदिल भाई ने इतनी बड़ी गारंटी दी है, ठीक है भाई, जो रेट बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला बड़ा वाला तवा बताइए, ये भी है, ये बाहर के सब इतना बड़ा तवा किसी को कटाकट वटाकट बनाने के लिए, तो ये मार्केट में आपको पड़ेगा 4500 रुपए तक, जहाँ में 4200 रुपए का है। इसमें 1800 वाला भी है, अच्छा 1600 वाला भी है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लगा आदिल भाई, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर व्यूवर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आया यहाँ पर आने के बाद। आप लोग आओगे, आप लोग को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इंशाल्लाह मैं आगे पे कंटिन्यू करता हूँ दूसरी जगह।